एक जमाना था जब अखबारों में अच्छी खबरें छपा करती थी। आजकल तो पता नहीं क्या क्या है। ये देखो, तैमूर ने घर बैठे बैठे आलू पराठे के लुफ्त उठाए, छिपकली के अंडे की भुर्जी बनाना सीखे, कुछ भी। सुनिए जी, चाय पियेंगे क्या? हाँ हाँ, जरूर पियूंगा। तो बना के लाएंगे ना। और वैसे भी घर में चाय पत्ती खत्म हो गई है, कहीं से भी लेके आइए। अरे लेकिन लाऊं कहाँ से, बाहर तो जा नहीं सकते। अरे कोई नए पड़ोसी आए हैं, जाइए उनसे जाके मांग लाइए। ये कौन से नए पड़ोसी आ गए? अरे कोई पुलिस ऑफिसर हैं जिनका अभी ट्रांसफर हुआ है, जाइए उनसे मांग लाइए। ठीक है, जाता हूँ। हाँ मंगलू, हाँ कमरा तो अच्छा है, बस पड़ोसियों से मुलाकात नहीं हुई। एक मिनट, तुम तो वही हो ना जो धनिया लेने गए थे, और लेकिन तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस एक्सरसाइज कर रहा था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, इतने डर से एक्सरसाइज नहीं किया जाता, फिर से तिरसूल घुसवाना है। अब जब आपने फिर से पकड़ लिया है तो भैया, हमारे घर में चाय पत्ती खत्म हो गई थी, तो हमने सोचा कि आपके घर पे आके आपसे चाय पत्ती मांग ले, क्योंकि अगर हम बाहर निकलेंगे चाय पत्ती लेने तो आप हमारे तबले लाल के पीले के हरे कर देंगे। लेकिन घर से बाहर क्यों निकले तुम? प्रिकॉशंस लेते भी हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल प्रिकॉशन लेते हैं। अच्छा बताना जरा, हाथों पे क्या मलते हैं? खैनी, चूना, बनवाड़ी हो क्या? सैनिटाइजर होता है वो? अजी बाहर जाने का मन तो बहुत करता है। सुबह सुबह अखबार में राशिफल देखते हैं तो लिखा होता है कि यात्रा का योग है। ये अखबार वाले बिना हड्डियों का चूरा करवाने पे तुले हुए हैं। अब तो घर रेलवे की बोगी जैसा लगने लगा है। उठो, खाना खाओ, बाथरूम जाओ और वापस आके अपनी सीट पे बैठ जाओ। जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस। आपको पता है क्या कि लॉकडाउन कब खत्म होने वाला है? मेरे सर पे मोदी लिखा है। नहीं, मेरे सर पे मोदी लिखा है क्या जो पूछ रहे हो? अब मोदी तो नहीं लिखा। हाँ तो कायदे में रहो, नहीं तो ऐसी स्केलर क्वांटिटी में वेलोसिटी डाल के मारूंगा ना कि धरती के बाहर गिरेगा तू। जी डराते वक्त साइंस जानना जरूरी है क्या? क्यों, तुमने पढ़ी नहीं क्या? अजी पढ़ी होती तो आपसे क्यों बात करता। मजा आया भाई जी, क्या बताएं, मोबाइल चला चला के हमारी आंखों में दर्द हो गया है, और मीका सिंह का केआरके पे गाना सुन के तो वो दर्द सर में चला गया, बताओ। मगर क्यों? बकवास छोड़ो, सुना है कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है, बच के रहना पड़ेगा। जी गर्म पानी पीते रहिएगा, क्योंकि अगर गला सूख गया ना तो वायरस 10 मिनट में अंदर घुस जाएगा। अच्छा तो वायरस स्टॉपवॉच भी पहनता है? कहाँ से मिली है न्यूज? व्हाट्सएप पे। ये व्हाट्सएप पे आई हर चीज फेक होती है। तुम ना फोन छोड़ के बालकनी में रहा करो, गाना वाना बजाया करो, जैसे इटली में हुआ था ना, याद है? हमारे यहाँ तो ये सब मुश्किल है, क्योंकि सबके चड्डी बनियान तो बालकनी में ही सूखे होते हैं। तिरसूल घुसा देंगे अगर फालतू बातें करेगा तो। जी तिरसूल मत घुसाइएगा, बाद बाद में तिरसूल तिरसूल करते रहते हैं आप। तो वैक्सीन लगवाओ, तुम लगवाई क्या तुमने? जी अभी फाइजर के आने का वेट कर रहा हूँ। शकल तुम्हारी बाबा के चूरन वाली, चाहिए फाइजर। अरे नहीं नहीं, जब मैं अपनी माँ के पेट में था ना तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा रामायण देखती थी, ताकि मेरा चेहरा एकदम श्री राम जैसा बने। लेकिन अफसोस, शायद वो उस वक्त मंथरा के एपिसोड दिखा रहे होंगे। आपने हमको मंथरा बोला? अरे मजाक मजाक में निकल गया, चलो अब चलता हूँ। और हाँ प्रिकॉशंस लेते रहना तुम। काहे काहे, हम दिखाते हैं तुम्हें काहे। हाँ हाँ, ये घर से बाहर निकलने के लिए, ये वैक्सीन ना लगवाने के लिए, और ये बकवास करने के लिए। ए! एक और करो। लेकिन ये चौथा वाला काहे करवाया? अरे भाई साहब, 2-3 get 1 free ऑफर चल रहा था। Yeah!